एंड आई फाइनली गेट टू ड्राइव द अपडेटेड 2024 किया सोनेट फेसलिफ्ट। मेरे पास है 1.0 टर्बो पेट्रोल डीसीटी यानी कि 7 स्पीड गियरबॉक्स वाला वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट है विद द एक्सलाइन द मैट फिनिश। नाउ आई जस्ट कम बैक फ्रॉम अ 160 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव अराउंड भोपाल एंड इस दौरान मैंने गाड़ी के बारे में बहुत कुछ बताया है आपको, इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंट फ्यूल इकोनॉमी पैरामीटर। कितनी माइलेज दी, वेल लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So the driver info display has been reset and let's see what this can deliver at highway speeds. Thoda bahut aayegi shehar ki traffic but uske baad 4 lane. So what is the plan? Simple, even a turbocharged, performance oriented 1000cc petrol engine can deliver good economy at highway speeds. Is that possible? आई थिंक सो, बिकॉज इसके अंदर एक 7 स्पीड गियर बॉक्स है। द डी सी टी हैज 7 गियर्स एंड 7वें गियर पे आरपीएम इज लेस एट हाईवे स्पीड्स। इन फैक्ट एट द 30 मार्क वी वर ओवर 18 की एमपीएल, दैट्स डाउन टू द फैक्ट कि सुबह भोपाल के अंदर मूविंग ट्रैफिक थी एंड 50-60-70 पे ये गाड़ी बहुत एफिशिएंट होती है। अगर स्टॉप्स नहीं है, दिस कैन बी एन एफिशिएंट व्हीकल, सरप्राइजिंगली एफिशिएंट। उसके अलावा एक और चीज, जो 7th गियर है वो 60 के ऊपर आ जाता है। अगर आप इको मोड पे हैं विद अ लाइट राइट फुट तो 60 के ऊपर जाते ही 7th गियर के अंदर गाड़ी आ जाएगी। डज दैट मीन कि इस स्पीड पे अब हम ओपन रोड पे टूवर्ड्स इंदौर, डज इट मीन आई कैन क्रैक दी 19 और 20 मार्क? वेल, फिंगर्स क्रॉस, आपको मैं दिखाऊंगा इकोनॉमी एट द 70 मार्क। Now before we move further, ऐसा ही एक रन किया था मैंने, लॉन्ग डिस्टेंस रन किया था ऑन दी सेल्टर्स टर्बो ऑटोमेटिक पेट्रोल। उसका लिंक इज करेंटली ऑन द स्क्रीन एंड इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, तो वहाँ भी वो देखना मत भूलना कि वो वाली गाड़ी कैसा इकोनॉमी डिलीवर करती है। एंड कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आने वाले हैं इस गाड़ी का, एक्सक्लूसिव कंपैरिजन विद द वेन्यू एंड विद द ब्रेजा। स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू हैव नोटिफिकेशन, वेरी सिंपल, डू सब्सक्राइब एंड हिट दी बेल आइकन एज वेल, वो वीडियोस आपको जरूर हेल्प करने वाले हैं। So update at the 70 mark, the displayed economy is coming down 90 kmph पे, the engine is sleeping at 2000 rpm but also sipping fuel. So सुबह जो हुआ था कि शहर में 50-70 पे flowing के अंदर, because 7th gear में जा रही थी, it was almost 19. Anyways, a bit about the new Sonet. इस facelift के अंदर इसको बहुत कुछ मिला है, updated front है, updated rear है, इसने गाड़ी का जो personality है, जो character है, वो पूरा change कर दिया है। जो इंजन ऑप्शंस हैं दे आर द सेम, वही 1.2 नॉन टर्बो पेट्रोल, एक 1.0 टर्बो पेट्रोल, एक 1.5 टर्बो डीजल। सो इंजन्स के मामले में जस्ट लाइक द वेन्यू बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे गियर बॉक्सेस हैं। प्राइसिंग एज ए स्पीड टू इज नॉट आउट, आई डोंट नो दैट, बट एक बार आ जाएगी तो स्क्रीन पे हम डाल देंगे। एंड इसके अलावा फीचर्स इज समथिंग जो किया ने बहुत काम करा है। एवरी इमेजिनेबल फीचर इन द सेगमेंट ऑफ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज वो आपको यहाँ पे मिलता है। सो फीचर्स इंक्लूडिंग द सेफ्टी फीचर्स, ADAS लेवल 1 कनेक्टेड ऐप विद 70+ फंक्शनैलिटीज, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। मैंने कहा था कि कंपैरिजन किया है विद द ब्रेजा एंड विद द वेन्यू, एंड उसके अलावा देखते हैं कि इस रन पे जो होने वाला है लगभग 150 किलोमीटर का, कितनी माइलेज आती है 90 के स्पीड पे। वेल, बने रहिए इन द वीडियो टिल द एंड। फीचर्स के मामले में इसमें बहुत कुछ है। लेवल 1 ADAS के साथ साथ जो फ्रंट सीट है, इट इज वेंटिलेटेड, इट इज पावर्ड, दोनों ही सीट्स में आपको सीट वेंटिलेशन मिलती है। ड्राइव व्यू मॉनिटर मिलता है जो बेसिकली ऑन द मूव, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप रियर कैमरे पे रियर ट्रैफिक जो आ रही है, इन द केस यहाँ पे ओल्ड सोनेट थी तो ये आप देख सकते हैं ऑन द मूव। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स सनरूफ भी है। एक चीज मिसिंग है जो मुझे भी देखने में आई है कि इसमें HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले नहीं है, जो एक सेगमेंट ऊपर के अंदर मिलता है। और उसके अलावा कनेक्टेड स्क्रीन्स, ब्यूटीफुल लेआउट ऑफ द स्पीडोमीटर कंसोल एंड इवन इंक्रीज कंफर्ट पीछे। किया ने क्या करा है, नॉट एवरीवन विल टेल यू, पीछे की सीट पैडिंग चेंज करी है, जिसकी वजह से जो शोल्डर स्पेस है वो स्लाइटली ऊपर गया है। रियर सीट का जो एंगल है उसको 1% और रिक्लाइन करा गया है फॉर बेटर कंफर्ट। एंड
जो फ्रंट सीट्स हैं इनके बैक पे स्कूप करा गया है ताकि रियर पैसेंजर्स को नी रूम एक्स्ट्रा मिल जाए। जो बूट है वो 390 से 385 पे आ गया है लीटर्स पे, बट तब भी सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट है। तो ये चीजें भी करी हैं, फीचर्स के साथ साथ रियर कंफर्ट का भी ख्याल रखा गया है इन दी सोनेट। और किसी भी माइलेज रन पे जो एलिवेशन चेंजेस है उनको निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने यू टर्न लिया है एंड नाउ विल गो बैक टुवर्ड्स भोपाल। सो जितना एलिवेशन हमने लूज या गेन किया था आते हुए वही लूज या गेन करेंगे जाते हुए। सो दिस बेसिकली निगेट्स एनी चेंजेस विच हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ एलिवेशन, ऊपर नीचे जाना, उससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। तो अगर आप भी कभी माइलेज रन करते हैं एलिवेशन चेंज का हमेशा आप ध्यान रखना। इसके अलावा सुबह से मैं गाड़ी में हूँ बिकॉज हमारे कंपैरिजन टेस्ट थे और अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अगर आप पूछेंगे कंफर्ट लेवल्स कैसे हैं गाड़ी के, वेल फॉर अ 6 feet टॉल पर्सन जाहिर सी बात है इट्स अ सफोमीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी, नॉट अ मिड साइज और अ लार्ज एसयूवी। तो सीट इज जस्ट अबाउट राइट फॉर अ लार्ज फ्रेम लाइक मी। डोंट गेट मी रॉन्ग, कम्फर्ट लेवल्स हाई हैं, सीट वेंटिलेशन से बहुत फर्क पड़ता है। फोर वे पावर एडजस्टेबल भी है, अभी भी जो सीट हाइट है उसको आपको मैनुअली करना पड़ता है, बट उसके अलावा आगे पीछे रिक्लाइन इज पावर एडजस्टमेंट। और पहले की तरह ही इसमें आपको वेरियस वर्जन मिलते हैं, टेक लाइन बेस से लेके मिड तक, फिर जी टी लाइन और फिर ये एक्स लाइन। जो एक्स लाइन है उसके अंदर आपको मैट फिनिश मिलती है विच आई पर्सनली लाइक इन टर्म्स ऑफ द एस्थेटिक्स फॉर अ कार। और डिस्प्ले पे माइलेज क्या है, वेल आई विल शो यू दैट एट द 120 मार्क। तो 120 किलोमीटर पे भी जो एवरेज इकोनॉमी है डिस्प्ले पे 18 से ऊपर है, बट हम वेट करेंगे फॉर अगेन टैंक फुल टू गिव यू द जेन्युइन फिगर। सो डू आई रिकमेंड द न्यू सोनेट टू यू? वेल ए, एस्थेटिकली इट हैज बिकम फार बेटर देन द आउटगोइंग मॉडल, रियर डिजाइन इज क्लासी। बी, फीचर वाइज इस सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड गाड़ी है। नेक्स्ट, इंजन ऑप्शंस CNG नहीं है, बट उसके अलावा दो पेट्रोल एक डीजल एंड द परफॉर्मेंस फ्रॉम द 1.0 पेट्रोल एंड 1.5 डीजल इज क्रेडिबल। उसके अलावा क्या अपडेट्स हुए हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स? स्लाइटली मोर स्पेस एंड किया सेज कि उन्होंने NVS लेवल्स पे काम करा है, यानी कि नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल्स पे काम करा है, आई थिंक दैट इज एविडेंट। प्राइसिंग इन माई बुक्स विल बी मोर देन सम ऑफ द अदर कॉम्पिटिशन कार्स, बट गिवन जो किया का ब्रांड वैल्यू इंडिया में बन चुका है स्लाइटली हायर रीसेल वैल्यू एंड किया का दावा है कि सेगमेंट की लोवेस्ट रनिंग कॉस्ट, ये सब कुछ देखते हैं, देन इवन एट दिस प्राइस पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर पे करना है, बट यू पे फॉर द कार वंस बट यू लिव विद द कार ऑन अ डेली बेसिस। तो आई थिंक इट्स अ जॉब डन वेल। अप्रॉक्सीमेटली 155-160 पे एंड करेंगे, फ्यूल पंप पे जाएंगे, टैंक फुल कराएंगे टू शो यू द जेन्युइन इकोनॉमी फ्रॉम अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन एट 90 km/h इन द 7th गियर। So 163.3 kilometers and 18 km/h. In the end, simple calculations, the distance we drove divided by the fuel we filled is actually slightly more than the displayed economy. In my books, at these speeds with the engine performance and the automatic, it is a good figure. Do you agree with me or not? Well, let me know in the comment section below. And if you're still watching the video till now, a big thank you from me.